Hi, I'm going to show you how to change the wax guard of Phonak hearing aid. सबके कान में थोड़ा बहुत वैक्स मिलेगा ही, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बनता है। इसकी वजह से आपका हियरिंग एड का रिसीवर ब्लॉक हो सकता है कभी भी। फिल्टर्स भी है, यहाँ पे भी वैक्स कार्ड वैक्स इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप ये डोंग थोड़ा सा बाहर निकाल के खींचेंगे, ये भी पूरा ब्लॉक हो सकता है। हियरिंग एड किट में एक ऐसा सिरो शील्ड आता है, आप ये रिसीवर को नंबर वन में आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके देन बाहर निकाल, ये पुराना वैक्स कार्ड आपका डिस्कार्ड हो गया, अब आप नया वैक्स कार्ड लगा सकते हैं। आप सेकेंड नंबर में जाएंगे, इसको होल्ड करके आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देन रिलीज कर देंगे, आपका नया वैक्स कार्ड लग चुका है।